चाहने वाले हैं उनके उनको बहुत मिस कर रहे होंगे। आपने आज प्रोडक्शन हाउस दशहरा के दिन अनाउंस किया है जो आप लॉन्च कर रहे हैं, जैसे आप अपनी फिल्म भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो रीमा कैसे सोचा आपने प्रोडक्शन हाउस का, म्यूजिक से प्रोडक्शन हाउस? पहली बात तो सबको हैप्पी दशहरा और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सबके सर पे रहे। और क्या हुआ इस ये साल तो हमारा ब्लैक ईयर था है, क्योंकि पापा का ऐसा हुआ तो कुछ खास दुर्गा पूजा हम लोग नहीं मनाते एक साल तक। पर ये जो खूबसूरत पड़ोसन जो मूवी आज हम लोग लॉन्च किए हैं, टाइटल जो मूवी है, तो उनका कास्टिंग म्यूज़िक दादा सब करके गए थे। खाली शुरुआत होनी थी पर अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, देन दादा का तबीयत भी थोड़ा वो था, इतने उसमें भी उन्होंने गाना कंपोज किया, गाना को रेडी किया, फाइनल नहीं किया अभी तक, पर ही न्यू अबाउट दिस मूवी, वो जानते थे ये मूवी के बारे में, और कास्टिंग सब कुछ मतलब बना बना हुआ था, खाली रिकॉर्डिंग होके फ्लोर में जाने वाली थी। तो हमारे जो क्लोज लोग हैं बालकृष्ण जी और जो ललन जी है जो डायरेक्टर हैं, तो राजन जी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे था पर दादा तो है नहीं अभी, हम क्या करें। तो मैंने आप देखिए आप हम हमारे तरफ से एक ही कर सकते हैं कि हम वी कैन लॉन्च इट इन आवर प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि हम तो सभी गाने और मूवी में ही हैं, लाइन तो प्रोफेशन दादा के बच्चे हम सब दादा के लाइन में ही हैं। तो हमने सोचा कि वाई नॉट, दादा की जब इतनी इच्छा थी, वो स्टोरी भी सुन के गए, फाइनल करके गए, कास्टिंग भी फाइनल करके गए, गाने भी सिचुएशन के करके गए, तो उसको क्यों नहीं हम करें अपने प्रोडक्शन में लेके चलता रहे, द शो मस्ट गो ऑन। दादा का ऑलवेज एक मन था कि मैं रहूँ नहीं रहूँ पर मेरे गाने, मेरे म्यूज़िक, मेरे एंटरटेनमेंट, मेरे बच्चे, मेरे परिवार उसे आगे लेके जाए, उनकी बहुत वो एक मन था, उनको पता था कि हम करेंगे और उनका आशीर्वाद है। तो हमने सोचा कि चलो हम लोग हमारे SRG फिल्म्स लेट्स लॉन्च इन आवर प्रोडक्शन हाउस एंड लेट्स प्रोड्यूस दिस मूवी इन आवर प्रोडक्शन हाउस, व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। उसका जब सबको जैसे लेके हार्दिक शुभकामना है, उसका मोटिव सिर्फ एक ही, दादा की जो इच्छाएँ रहती थी कि न्यू टैलेंट, नया म्यूजिक हमेशा चालू रहे, इस पिक्चर में SRG फिल्म का भी यही मोटिव रहेगा, जो भी नए टैलेंट हैं या आते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं से भी हों, सबको चांस देने की इसमें दादा के हिसाब से काम करने का हमारा मोटिव रहेगा। दादा के जो गाने हैं जो उन्होंने बहुत बनाए होंगे, तो उनके बारे में कुछ बताइए। दादा के पास 1000 to 1000 सॉन्ग्स का बैंक है, तो उसी बैंक में से गाने भी जो ऐसा दादा तो एक जीनियस, एक हिट मशीन थे, खूबसूरत पड़ोसन, वो 4-5 साल पहले दादा ने उसको, कोविड से पहले था, कोविड से पहले ही था, फाइनल किए थे। तो अभी एक उनके बालकृष्ण जी जो दादा के इर्द गिर्द वाले दो चार लोग, लेकिन जिया जी आपको एक फिल्म दादा ने बहुत प्लान था, अभी क्या कर सकते हैं, मैंने कोई बात नहीं, दादा की जो थे हम सब पूरी करेंगे वही। तो एक नया हमने SRG फिल्म प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उसमें क्या पहला फिल्म अभी दादा का ही रिलीज करेंगे, तो दादा ने यहाँ से 5-7 साल पहले कंप्लीट कर दिया है मैं दीवाना हूँ तेरा, तो उसको दादा के बर्थडे पे हमारा रिलीज करने का प्लान है। फिल्म कम्प्लीट है, सेंसर होने को गया है। सेकेंड मूवी खूबसूरत पड़ोसन, ये भी दादा का ही टाइटल और वो राजा टाइटल भी दादा ने दिया है, राइटर डायरेक्टर उसमें, और जो दादा के बालकृष्ण जी और भी 2-4-5 लोग नया हीरो उसमें लॉन्च कर रहे हैं, जन्म है वो एक अच्छा होना हीरो होते हैं, और 10 में भी फिल्म का भी हमारा टारगेट है न्यू फेस, हीरोइन भी नया रखेंगे, वो एक ऋतुपर्ण सेन गुप्ता जी हैं उसमें, जो गोविंद नाम जी है, अच्छे हीरोइन है, नाम अनूप जलोटा जी, अनूप जलोटा, नाइस सेटअप, वेरी नाइस सेटअप, प्लस इसमें अपना राजपाल यादव हैं, प्रेम चोपड़ा जी हैं, तो एक अच्छा एक दादा के साथ जो कॉमेडी होती है ना उस टाइप का एंटरटेनिंग मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है, यूथफुल मूवी है। जैसा सिचुएशन रहेगा जब कहीं ना कहीं उसको भी कभी दादा की इच्छा थी कि रेगो 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 एकदम बहुत 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 आशीर्वाद देके गए रेगो को दादा जी, डेब्यू भी देके गए, आशीर्वाद देके गए, पर और रहते तो और अच्छा लगता, पर ही इज गॉन टू सून, इतना जल्दी चले जाएंगे,
अचानक ही तो हम लोग ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा है, पूरी इंडस्ट्री आज वो कर रही है कि ऐसे कैसे चले गए सब लोग। मुश्किल तो बहुत है, मतलब हर पल ही मुश्किल रहता है, हर एक मिनट। वी आर बोर्न इन अ गोल्डन स्पून विद माय फादर्स एंड क्या बोल सकते हैं अभी लोग, ये वो इतने शोमैन, और सबसे बड़ी चीज़ दे यू सच अ ग्रेट फादर, इतने केयरिंग, इतने लविंग, खाली फैमिली लोगों की नहीं सबके लिए। मतलब वो देखते थे कि हर एक इंसान घर पे आए, चाहे वो कोई भी हो, मिठाई पानी चाय, वो सो पर्टिकुलर, और खुद देखते थे इतने लोग हम लोग सब हैं पर वो नहीं, खुद उनको फीलिंग्स होती थी कि आपने चाय पिलाया, आपने पूछा बिठाया, मतलब एक संस्कार जो है उनसे ही शुरू हुई है लाहिरी हाउस में। ही इज़ द वन टू टीच अस कि कैसे सबको रिस्पेक्ट करना, सबको ह्यूमैनिटी जिसको बोलते काइंड, और वो पीपल्स पर्सन थे। आप जब भी फ़ोन करो तो ईजी टू, हाँ, ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पीपल, चाहे वो स्ट्रगलर हो, चाहे वो एक सिंगर हो, चाहे वो कोई भी हो, आप कभी भी फ़ोन लगाओ पॉपुलरिटी यस मिल सकते हैं कि दादा मेरे को ये है, दादा वो है। तो ऐसा इंसान तो हमने देख के सीखा है कि इतने बड़े लेजेंड, वो लेवल के आदमी इतने डाउन टू अर्थ, इतने सहमे से लोगों के लिए करने के लिए, और पावर पैक्ट, मतलब एकदम अपने जनरेशन के साथ थे वो। ही वॉज लाइक अ फ्रेंड, यू नो, जैसे नए म्यूज़िक करना, नए लोगों को चांस देना, इंस्पायर करना, इनक्रेज करना। अब कोई भी सारे का मापा बोली, इंडियन आइडल बोली, किसी को भी उन्होंने आज तक इंसल्ट या आपने देखा होगा कभी भी दादा ने डायरेक्ट फेस पे नहीं बोला है कि अरे तुम कैसे गा रहे हो, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, उठ के चले गए, गुस्सा। ऑलवेज इनक्रेज ही किया है कि तुम और अच्छे से गाओ, थोड़ा आज ऐसा लगा फिर से हो जाएगा। द वे ऑफ अप्रोचिंग पीपल, ही वॉज सो गुड विद एनकरेजिंग विद ऑल दिस, यू नो, यंग टैलेंट्स एंड ऑल। नहीं बहुत नहीं, अभी तो सभी का सपोर्ट है, लेजेंड चले गए हैं, सबको बहुत दुख है, तो होल इंडस्ट्री शॉक्ड एक्चुअली कि ये कैसा हो गया। मतलब बप्पी दा नहीं है, बप्पी दा दादा इज नॉट देयर ऑफ द इंडस्ट्री, एंड द शोमैन एंड द स्टाइल आइकॉन एंड पीपल्स पर्सन, पीपल्स मैन, लविंग केयरिंग मैन चला गया ऐसे करके, वेरी शॉकिंग। Performer, singer, and he was a filmmaker also, actor also. So he was a multi-talented, used to love, he was a very creative man. Not only music, but as a singer, as a producer, as a, you know, everything. So his film production, he was a target boy, he was a big dad. He had to keep attached. He had to keep attached. So people didn't think that dad went away, then what will happen? There was nothing. हम सब है, हाँ, चलता रहेगा सिलसिला। उनका आशीर्वाद है, दादा का आशीर्वाद है, और आप लोगों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स है, जो हर समय हम कुछ ना कुछ आप लोग के लिए कुछ कर सके, बस दैट्स इट। हाँ, बहुत जल्द बनाएंगे अभी एक, हाँ जी, जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। अभी एक साल फरवरी को हो जाएगा दादा का, 5 फरवरी को पूजा है, उनकी पुण्यतिथि है, एक साल बरसी है, एक साल उसके बाद हम बाबा पे में बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, और हम लोगों ने कुछ अभी या इन हाउस ही बनाएंगे यार, ऑफ कोर्स। डिस्को के काफी दीवाने थे, और डिस्को बजाना जो इंडिया में पहली बार, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वेल, वो तो एक जीनियस इंसान थे, उन्होंने ही तो म्यूजिक एक अलग ही चेंज लाए हैं। डिस्को वॉज बॉट बाई हिम ऑलवेज, एंड डिस्को ही नहीं, ही इज़ अ वर्सेटाइल म्यूजिक डायरेक्टर। आप एक क्लासिकल गाने दीदी के सुनिए, आशा जी के सुनिए, दादा के एक से एक गाने हैं जो क्लासिकल और वो भी है। पर येस, ऑफकोर्स ही इज़ द गोल्ड मैन एंड द डिस्को किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कल जर्मनी में भी एक ट्रिब्यूट हुआ, 100 तो खाली ट्रिब्यूट ही चल रहे हैं, देख देख के हमें, हम क्या बताएं अभी। कल भी जर्मनी में लता दीदी के और दादा के नाम पे ट्रिब्यूट हुआ, एंड द लास्ट सॉन्ग वो चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना। मतलब वर्ल्ड वाइड उनके ट्रिब्यूट्स हो रहे हैं, मतलब उनके उनको कोई मतलब वो नहीं कर पा रहे कि दादा जो नहीं है। अब कलकत्ता में बोलिए, हमारे दुर्गा पूजा में भी ट्रिब्यूट हुआ दादा के नाम पे, तो हर जगह फैंस, लोग फैंस कितने आते हैं हमारे घर पे, कोई फूल कोई कुछ चढ़ा के जाते हैं कि दादा, सबको ये लगता है कि दादा ही नहीं है अपने उसमें। आप लोग को जैसा कि मेडिकल टेंपल एक तो ये मूवी है जो दीवाना मैं दीवाना हूँ तेरा, वो उनका बहुत वो था कि रिलीज करना है, क्योंकि वो बहुत सालों से बंद पड़ी हुई थी, और उसके बाद रिलीज नहीं हो रहा, कोविड हो गया, ये हो गया, उनका तबीयत भी थोड़ा ऐसा था, तो
नहीं हो पाई, तो वो बहुत चाहते थे कि दीवाना हूँ मैं तेरा, उनके पास क्लोज पिक्चर था, तो उनके घर का पिक्चर, हमारा खुद का प्रोडक्शन, तो पिक्चर भी आए हैं अभी नेक्स्ट, हाँ वो भी आए हैं, तो वो रिलीज करने उनका बहुत मन था, उनकी जैसे उनका अपना बच्चा था वो, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करके वो पिक्चर, म्यूजिक भी उन्होंने दिया है, थोड़ा बहुत एक्टिंग भी किया है, आप लोग ज़रूर देखोगे राधा, ऑफकोर्स बहुत साल पहले का है पर आपको अच्छा लगेगा देख के, इट्स अ वेरी यूथफुल मूवी, वेरी इमोशनल म्यूजिकल मूवी। दादा आज भी हमारे बीच है, आपने बोला कि माला नहीं चढ़ाएंगे। नहीं नहीं, ये हाँ ये हमारे एक्चुअली दीदी के वहाँ से घर से आदेश आया है, लता दीदी के वहाँ से, उषा दीदी ने बोला है कि बप्पी और लता दीदी और आपके डैडी ये लोग अमर हैं, ये लोग एक आते हैं करके चले जाते हैं जल्दी, तो ये लोग अमर हैं, ये लोग को वो माला का, तो हम लोगों ने आज तक अभी तक माला नहीं लगाया, हम सोचते कि वो है हमारे साथ है। हमारे साथ है, हमारी आज भी है, देख रही हैं, आशीर्वाद ही दे रहे, खुश हो रहे हैं, और माला नहीं चढ़ाते ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग अमर है, इनके म्यूज़िक चल रही है, आप कोई भी रेडियो में सुनो, आप कोई भी सीरियल देखो, बंगाली चैनल देखो, उनका गाना तो चल रहा है, आवाज़ तो है, सो फॉर हिम फॉर अस इज़ देयर। म्यूजिक एकेडमी वगैरह कुछ प्लान है? ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, ऑफकोर्स, अरे अरे ज़रूर करेंगे, एकेडमी भी खोलेंगे बहुत जल्द, स्लोली स्लोली, एक्चुअली क्या है इतना बड़ा शौक अभी हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सच्ची का है कि क्या हो गया सडनली, फुल फैमिली इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, यू नो। करेंगे हम लोग, हाँ वी हैव डिसाइडेड कि जितने भी उनके गॉगल्स बोलो, गोल्ड बोलो, वो करके मैं और बप्पा भाई, मेरे भाई और गोविंद जी, हम मिलके एक ऐसा म्यूजियम में ट्रेजर करेंगे, दैट पीपल कैन कम एंड सी द डिस्को किंग्स जैकेट्स विच इज टू वेयर, बिकॉज देयर सो मेनी फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, रशिया से बोलो, कजाकिस्तान से बोलो, जिमी जिमिया, बिकॉज ही वॉज अ इंटरनेशनल फेम ना, ही वॉज नॉट ओनली, ही वॉज लाइक अ हीरो, ही वॉज नॉट लाइक अ नॉर्मल म्यूजिक कंपोजर, एकदम हीरोइक फैन फॉलोइंग, लोग जनता प्रेमी, मतलब पागल, दादा के गाने मतलब सब नाच रहे, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, शादी में इसमें सब जगह उनका ही गाना, तो दैट फैन फॉलोइंग वाज यूनिवर्सल। दादा का अपना एक स्टाइल था, हाँ, पहनने का गोल्ड इमेज, उसको भी फॉलो करेगा इस चीज को फॉलो अभी तो ही इज़ द किंग, बनना पड़ेगा, हाँ हाँ दादा जैसा बनना पड़ेगा, और अगर है वो तो जरूर करें, नहीं बस आशीर्वाद करें, हाँ हम लोग को भी लोग बोलते हैं कि अरे मेरे को पप्पा को, अरे आप लोग तो पहनते ही नहीं हो, कहाँ आप लोग इतने सिंपल हो, आप लोग तो एक भी चेन नहीं पहनते, क्या आप गोल्ड मैन की डॉटर हो, जहाँ भी दुकान जाती है इतने सिंपल अच्छा नहीं लगता है आपको, कुछ तो पहनिए ऐसे, नहीं पापा दादा दादा है, हम लोग है, छोड़ो ना, दादा को शोभा होती है। हम लोग इसको हंसते हंसाते ही आगे लेके जाएंगे, कोई ऐसा दबाव होता है ना उस टाइप का नहीं रहेगा, सबको हैप्पीली, दादा का आशीर्वाद हमेशा, तो इस टाइप का फील भी नहीं होता कि हम ये काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा भी दादा के आशीर्वाद से मिला, ऐसा कर लोगों की जो बात करते थे हम लोग हमेशा साथ में, तो ऐसा करना है ऐसा करना है, क्रिएटिव थे ना दादा, क्रिएटिव, लोगों का अच्छा करना, काम देना, ऐसा था उनका, और भी अच्छे उसमें ही था, पॉजिटिव नोट पे ही चलता था, अभी भी सब कुछ ऐसे पॉजिटिव नोट में।